हेलो गाइस, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि रीट और टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा अत्यधिक उपयोग में लाई गई धातु थी ए तांबा, बी कांसा, सी सोना और चांदी, डी टिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का अत्यधिक उपयोग किया जाता था। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित गणेश्वर को सिंधु घाटी के शहरों को तांबे की आपूर्ति करने वाला प्रमुख स्थान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लोगों की समुद्री गतिविधियों से संबंधित कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी देसालपुर। इसके अलावा लोथल, बालाकोट और सोख्ताकोब, ये हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह थे, जबकि देसालपुर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लोगों का धार्मिक विश्वास कौन सा नहीं था? ए दुष्ट आत्माओं और परलोक के जीवन में विश्वास, बी विशाल प्रार्थना स्थानों का निर्माण, सी वृक्ष और पशुओं की आराधना, डी उपासना पद्धति और अग्नि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, विशाल प्रार्थना स्थानों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में के किसी भी स्थल से कोई विशाल मंदिर या सामूहिक प्रार्थना स्थल के प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं था? ए इजिप्ट, बी मेसोपोटामिया, सी ग्रीक, डी सुमेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ग्रीक। ग्रीक या यूनानी सभ्यता है ये, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं था। भूवैज्ञानिक सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व और 2750 ईसा पूर्व से संबंधित है। यह वह काल था जब मिस्र की बेबुलोनिया और मेसोपोटामिया सभ्यताएं अपने शीर्ष पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल निवासी थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, द्रविड़। इतिहासकारों का मानना है कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का श्रेय किसका जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, आई महादेवन। आई महादेवन मतलब इरवातम महादेवन एक भारतीय पुरालेखा शास्त्री और भूतपूर्व लोक सेवक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की पुरालेखा शास्त्र पर अपनी सुविज्ञता और तमिल ब्राह्मी अभिलेखों का सफलतापूर्वक अर्थ निकालने के लिए जाने जाते हैं। महादेवन को डॉक्टरेट की उपाधि के दौरान सिंधु लिपि पर अनुसंधान के लिए 1970 में जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, 1921। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार हड़प्पा के विभिन्न नगरों में समानता लाई जा सकती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी एकता, माप तोल और भार की उच्च स्तरीय प्रणाली, वास्तुकला, शहर निर्माण की योजना कला, शिल्प कला और मृत्तिका शिल्प कला के लिए जानी जाती है। शहर सुनियोजित थे, चार दिशाओं के आधारभूत सिद्धांत पर गलियों और भवनों का निर्माण ग्रिड प्रणाली के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्तिक चिन्ह किसकी देन है? जैन काल, मौर्य युग, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, हड़प्पा सभ्यता। स्वस्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता से पीपल, जो कि सबसे पवित्र वृक्ष था, बतख, सबसे पवित्र पक्षी, गेहूं व जौ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न, कपास सर्वप्रथम उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। कांस्य यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे अधिक मोहरे किस स्थान पर मिली हैं?
ए रोपड़, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। सबसे अधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहरे हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे सेलखड़ी की बनी हैं और सबसे अधिक मोहरे वर्गाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से प्राप्त एक मोहर पर तीन मुख वाले एक ध्यानमग्न पुरुष की जानकारी मिलती है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी चनुंदड़ो, डी धोलावीरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर ध्यान की मुद्रा में बैठे पुरुष के सिर पर तीन सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र व पांव के नीचे दो हिरण हैं। यह पशुपति का रूप शिव का रूप माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए? ए राजस्थान, बी पंजाब व हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, गुजरात। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पा स्थल गुजरात में पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक 60 से भी अधिक स्थल लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, रोजड़ी, रंगपुर जो मुख्य हैं गुजरात में पाए गए। तो ये था हमारा रीट टेट से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कोई भी संशय आपको लगे तो कमेंट जरूर दें। हमारे इस वीडियो में लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन पर भी क्लिक करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।